भारतीय सैन्य दलाकडे आजचे तरुण केवळ नोकरी म्हणून बघतायत हा दृष्टिकोन अतिशय चुकीचा आहे. जर भारतीय लष्करात दाखल व्हायचं असेल तर शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या मजबूत असायला हवे, मनोबल उंच हवे, प्रत्येक परिस्थितीला सामोरं जाण्याची तयारी असायला हवी असे प्रतिपादन लष्कर प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी केले आहे. रावत म्हणाले, तुम्हाला नोकऱ्या हव्या असतील तर रेल्वे किंवा इतर ठिकाणी जा, स्वतःचा व्यवसाय सुरू करा, पण भारतीय सैन्यात यायचं असेल तर मानसिकता आणि शारीरिक दृष्ट्या मजबूत असणे आवश्यक आहे. कठीण आणि अडचणीच्या ठिकाणी काम करण्याचा आत्मविश्वास असल्यास सैन्यात तुमचे स्वागत आहे. हमारा जो सिलेक्शन होता है वो इस प्रकार से होता है कि आप में काबिलियत है शारीरिक और मानसिक रूप से कि आप अपनी फौज में तैनाती के दौरान जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो आपके ऊपर पड़ता है आपके नौकरी के दौरान, उस पर काबू रखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे. लेकिन क्या देखने को आया है कि कुछ सैनिक ऑफिसर और जवान इस स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपने को कहने लगते हैं कि हम हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के जरिए से हम विकलांग हो गए हैं, इसलिए हम लोग मुश्किल इलाकों में तैनात नहीं हो सकते क्योंकि हमें हाई ब्लड प्रेशर है, हमें डायबिटीज है, हमें हाइपरटेंशन हो गया है. ये वो अफसर और जवान हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हैं, हु कैनॉट विदस्टैंड द स्ट्रेस एंड प्रेशर्स ऑफ सर्विस. मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस तरह से आप अपने लोग को विकलांग कहलाते हैं तो आपको जिन्होंने आज अपनी स्टेज पे कार्रवाई दिखाई इनको देखकर शर्म आनी चाहिए.